Assalamu Alaikum dear students this is International Islamic University Islamabad School Sahiwal Campus online lectures science grade 6 lecture number 1 lesson number 15 light shadow and reflections students bring your science book open it and write date and day properly Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. And do all the questions on your science homework notebooks. All the questions that will be discussed in this lecture, you have to do them on your science homework notebooks. So, task following tasks we will discuss in this lecture luminous and non luminous objects, shadow. So first we will discuss about luminous and non luminous objects what are luminous and non luminous objects The objects that emit light or that show light are known as luminous objects So all the objects which emit a light ऑफ देयर ओन आर कार्ड एज लुमिनस ऑब्जेक्ट्स तो वो तमाम तर ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट एमिट करते हैं उनको लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है लुमिना इज वर्ड दैट डिस्क्राइब्स लाइट लुमिना का मतलब होता है लाइट और लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को एमिट करते हैं सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर फुल कलरफुल एंड ब्यूटीफुल colors and the shining sun blue sky and the clear water and the green trees all these are very having very beautiful colors

नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स अब अगर हम लमिनस की बात करें तो सन जो है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है अर्थ के ऊपर और ये अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब बल्ब्स की बात करें ट्यूबलाइट्स की बात करें तो ये सब जो हैं ये हमारे पास मेन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स में से आ जाते हैं और सन जो है वो ग्रेटेस्ट एंड द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है और ये एक लूमिनस ऑब्जेक्ट है ना विल डिस्कस अबाउट नॉन लमिनस ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट अ लाइट ऑफ देयर ओन आर कार्ड एज नॉन लोमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है इनको हम नॉन लोमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं वुड स्टोन चेयर फैन एक्सेट्रा दीज आर नॉन लोमिनस ऑब्जेक्ट्स क्योंकि ये किसी भी किस्म की लाइट को एमिट नहीं करते ये सब के सब नॉन लोमिनस ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल हैं अगर हम ये देखें कि these objects are become visible only when light from a luminous object fall on them and travel from there to reach our eyes यानी कि हम ये अगर जानने की कोशिश करें कि अगर ऑब्जेक्ट्स लोमिनस नहीं हैं तो हमें नज़र किस तरह से आते हैं ये हमने प्रीवियस ग्रेड्स में भी आप लोगों ने पढ़ा तो एक बार मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें तब तक नज़र नहीं आता जब तक लाइट उस पर फॉल ना करे यानी लाइट उस पर फॉल करेगी बाउंस बैक होगी तो हमारी आइज़ को उसका इमेज नज़र आएगा वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा विदाउट लाइट हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते चाहे अब लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम इसलिए देख लेते हैं क्योंकि दिज आर बेसिकली इट्स सेल्फ अ सोर्स ऑफ लाइट और जो और वो लाइट को मुसलसल रेडिएट कर रहे होते हैं लेकिन जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइट उन पे फॉल करती है बाउंस होती है तो फिर हमें वो नज़र आते हैं अगर लाइट फॉल ना करे या लाइट उनमें एब्जॉर्ब हो जाए बाउंस ना हो तो वो ऑब्जेक्ट्स हमें कभी भी नज़र नहीं आएंगे सो दिस इज़ बेसिकली द बाउंसिंग बैक फिना ऑफ द लाइट के हमें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बहुत ईजीली नज़र आते हैं so the objects which now uh, we will describe objects uh, separately हम एक-एक object को describe करेंगे type of objects को के वो किस कौन कौन सी type of objects हैं और uh, उनको हम किस तरह से describe करेंगे सबसे first पे हमने देखा transparent objects यानी के ऐसे objects जो के light को गुजरने देते हैं यानी शाफ़ाफ objects अब शफाफ़ ऑबजेक्ट्स से मुराद ये है बिल्कुल क्लियर होते हैं और लाइट इनमें से पास थ्रू हो जाती है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जैसा कि उनके नाम से वाजे है कि ये लाइट को गुजरने देंगे दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड दीज आर कार्ड एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को गुजरने नहीं देते मिसाल के तौर पर आपकी किताब आपकी कापी वो टेबल जिस पर आपकी किताब पड़ी है ये ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं ये लाइट को गुजरने नहीं देंगे बल्कि लाइट के रास्ते में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से इनका शेडो बनेगा लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन लाइट की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये है कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और जब भी कोई चीज़ इसके रास्ते में आएगी तो ये उस चीज़ का शेडो देगी अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो ये उसमें से पास थ्रू हो जाएगी और उसका कोई शेडो नहीं बनाएगी लेकिन अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में रखा जाए तो उसका शेडो बनेगा और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ओपैक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रो आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अब ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं अगर मैं उर्दू में इसके लिए वर्ड यूज करूँ जैसे धुंधले ऑब्जेक्ट्स यानी इनमें कुछ लाइट तो पास होगी और कुछ लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगी तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहेंगे ये कम्प्लीटली लाइट को अलाउ नहीं करते कोई इनमें से गुजर सके सो लाइट पार्शली पास थ्रो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इवन दो वन कैन सी थ्रो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वन कैन नॉट सी क्लियरली थ्रो दैम हम इसमें से देख तो सकते हैं लेकिन हम उतना क्लियर नहीं दे सकते देख सकते जितना हम किसी ट्रांसपेरेंट या शफाफ औ, ऑब्जेक्ट uh, में से देख सकते हैं अब अगर एग्जाम्पल की बात की जाए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की तो इसमें ट्रेसिंग पेपर आ जाता है हमारे पास टिश्यू पेपर आ जाता है मडी वाटर आ जाता है जैसे गंदला सा पानी हो मिल्की वाटर आ जाता है दूधिया पानी ऑयल सॉल्व पेपर एंड द मेल्टेड वैक्स अब ये सारी वो एग्जाम्पल हैं जो कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हैं जो सम लाइट को पास होने देंगे और कंप्लीट लाइट को पास होने नहीं देंगे जिसकी वजह से उसको ऑब्जर्व करना क्लियर ऑब्जर्वेशन करना या क्लियरली देखना मुश्किल होगा हम उसको प्रॉपरली नहीं देख सकेंगे सो विल डिस्कस अबाउट शेडोज हमने थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी डिस्कस कर लिया ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट ओपैक ऑब्जेक्ट्स और अब हम शेडो के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने आपको ओपैक ऑब्जेक्ट के टॉपिक में आपको मैंने ये समझाया कि ओपैक ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि गैर शफाफ होते हैं और ये लाइट के रास्ते में अगर रखे जाएं तो ये लाइट का रास्ता रोकते हैं उसको गुजरने नहीं देते जिसकी वजह से इन ऑब्जेक्ट्स का शेडो बनता है साया बनता है या इनका आ, कहें तो अक्स इनका बन जाता है लाइट चूँकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो उसके रास्ते में अगर कोई भी चीज़ रखेंगे और वो उससे पासों नहीं होगी तो लाइट अब रिफ्लेक्ट बैक होगी और जब वो रिफ्लेक्ट बैक या बाउंस बैक होगी तो उस ऑब्जेक्ट का शेडो बना देगी द एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड द ओपैक ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो उसका डार्क एरिया बनता है उसका जो एक शेडो बनता है बेसिकली जो कि डार्क एरिया होता है किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड उसके पीछे उसको हम शेडो कहते हैं अब अगर मैं आपको कॉमन एग्जाम्पल दूँ कभी आपने बल्ब के सामने अपना हैंड वेव किया है इसके बारे में सोचें अब मोस्टली ये चीज़ें जो हैं हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो अगर कभी हम देखें कि बल्ब ऑन है और वो हमारे नज़दीक मौजूद है हम अपना हैंड वेव करें तो हमें अपने हैंड की वेविंग मोशन का भी शेडो नजर आएगा कि हमारा जो शेडो है वो भी वेव कर रहा हो विच मीन्स दैट कि ये शेडो बन रहा है क्योंकि हमारा हाथ इट्स सेल्फ एक अपैक ऑब्जेक्ट है ह्यूमन बॉडी एक अपैक ऑब्जेक्ट है तो ये शेडो कॉज करेंगे सो द एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड द ओपैक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड शेडो कैन बी इजीली ऑब्जर्व और शेडो को हम बहुत ईजिली देख सकते हैं सो आर बॉडी इज आल्सो एन ओपैक ऑब्जेक्ट दस वैन एवर वी स्टैंड अंडर अ लाइट सोर्स वी कैन सी आर शेडो ऑन द फ्लोर तो जब भी हम किसी लाइट सोर्स के नज़दीक खड़े होते हैं तो हम अपना शेडो देख सकते हैं इसके लिए अगर सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल दूँ अगर आ, हम सूर हम आ, सड़क पर जा रहे हैं और सूरज हमारे पीछे है तो हमारा शेडो आगे बनेगा ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे शेडो जो है पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट उसके मुताबिक किस किस पोजिशन पे बनता है लेकिन अगर हम एक एग्जांपल एक देखें कि हम सनलाइट की प्रेजेंस में वॉक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका शेडो बनेगा सो दिस एक्सप्लेन दैट एवरी ओपैक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स बैक लाइट एंड फॉर्म आर शेडो सो दस इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो देर आर थ्री मेन रिक्वायरमेंट्स अब अगर हमने ये देखना है कि शेडो कैसे बनता है या शेडो के बनने के लिए वो कौन से तीन रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका पूरा होना जरूरी है तो हम उन रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले आप पेज नंबर वन फिफ्टी फाइव देखें अपनी साइंस uh, की टेक्स्ट बुक पर आपके सामने एक एक्टिविटी दिखाई गई है जिसमें एक टॉर्च है और एक कोई स्मूथ सरफेस चार्ट लगा दिया गया है टॉर्च से लाइट की गई है और हाथ को ऊपर टॉर्च के बिल्कुल सामने किया गया है अब अगर आप इसी सीक्वेंस में अपने हाथ को ऊपर करें और अपने हाथ के बिल्कुल एन सामने टॉर्च लाइट को ऑन करें तो आप देखेंगे कि आपके हाथ का जो शेडो है वो दीवार पे बनेगा तो अब ये एक्टिविटी शो करती है कि जब भी किसी ओपैक ऑब्जेक्ट को लाइट के रास्ते में रखा जाएगा तो उसका शेडो बनेगा और इससे हमें क्लियरली शेडो का टॉपिक एक्सप्लेन होता है सो द थ्री रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी आर फॉलोड इज़ अ लाइट सोर्स लाइट सोर्स का होना बहुत जरूरी है शेडो बनने के लिए अगर लाइट सोर्स नहीं होगा तो किसी भी किस्म का कोई शेडो नहीं बनेगा एन ओपैक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ओपैक होना चाहिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का शेडो नहीं बनेगा और अगर ट्रांसलुसेंट ऑब्जेक्ट हो तो उसका बहुत लाइट बहुत मध्यम शेडो बनेगा तो इसलिए ऑब्जेक्ट का ओपैक होना ज़रूरी है द थर्ड वन इज़ अ स्क्रीन और किसी स्क्रीन का होना बहुत ज़रूरी है लेट सपोज के हमारा हाथ जो हमने अब एक्टिविटी डिस्कस की कि हमने हाथ के बिल्कुल फ्रंट पे रख के टॉर्च लाइट को ऑन किया तो स्क्रीन क्या थी यहाँ पे स yes, हमने वॉल पे देखा था यानी वो सरफेस जिस पे हम उस शेडो को फील कर सकें वो स्क्रीन है अगर हम सड़क पर चलते जा रहे हैं तो हमारा शेडो अगर सड़क पर बन रहा है तो हमारे शेडो के लिए स्क्रीन क्या है सड़क है अगर दीवार पे हमारे हाथ का शेडो बन रहा है तो स्क्रीन क्या है दीवार है अगर किसी पेज को हमने दीवार पर लगाया हुआ है और उस पर हमारा शेडो क्लियर हो रहा है या हमने कोई भी डार्क कलर्ड चीज़ या लाइट कलर्ड चीज लगाई है कोई भी हमने ऐसी चीज़ यूज़ की है जिसको हमने शेडो uh, तो देखने के लिए वहां पे लगाया है तो वो एज अ स्क्रीन एक्ट करेगा यानी बेसिकली स्क्रीन को अगर डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि हर वो सरफेस जहां पर हमें शेडो नजर आए किसी ओपैक ऑब्जेक्ट का वो उस ओपैक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगी स्क्रीन होगी ओके डियर स्टूडेंट्स नाउ यू हैव सम होमवर्क अब आपके पास होमवर्क है आपने होमवर्क में क्या करना है ओपन करनी है अपनी डायरी सबसे पहले राइट डाउन डेट सब्जेक्ट एंड देन राइट डाउन योर डायरी और होमवर्क करने से पहले आप इंडेक्स राइट करेंगे एंड देन आप अपनी नोटबुक को ओपन करेंगे इंडेक्स राइट करेंगे उस पर डेट मैंशन करेंगे और टॉपिक लिखेंगे जो कि है लाइट शेडो एंड रिफ्लैक्शन इससे पहले कि हम अपना होमवर्क डिस्कस करें जो कि कॉपी वर्क है हम अपना कुछ बुकवर्क होमवर्क डिस्कस करेंगे अब इस होमवर्क जो बुकवर्क आपका होमवर्क है इसमें बेसिकली आपने क्या करना है आपने जो नाउ यू नो क्वेश्चन हैं पेज नंबर वन फिफ्टी फाइव पे ये जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे पेज वन फिफ्टी फोर वन फिफ्टी फाइव और वन फिफ्टी सिक्स की जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली ये समझ आ जाएगा तो आपने इसको क्या करना है रीड आउट करने के बाद आपने इस की एक डिटेल जो है वो उसको अपने माइंड में रिकॉल करना है देन आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये बहुत सिंगल सेंटेंस आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन है मैथ्स दी कॉलम्स है तो आपने इनको बुक के ऊपर सॉल्व करना है एंड देन नेक्स्ट आपने पेज नंबर वन पे जो आपके दो क्वेश्चन नव हैं पेज नंबर वन फिफ्टी एट पर आपके पास नाउ यू नो क्वेश्चन हैं उसमें क्वेश्चन वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स हैं तो आपने इसको यहाँ पर सॉल्व करना है पहला फिल इन द ब्लैंक्स है सेकेंड में भी आपके पास uh, जो है वो सिंपल वन लाइन आंसर है थर्ड में भी और इसी तरीके से आपने इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस बुक पे सॉल्व होने वाले हैं उनको बुक पे सॉल्व करें और अगर किसी का लेंथी आंसर है तो उसको आप अपनी क्लास वर्क अपनी होमवर्क नोटबुक के ऊपर राइट करेंगे सो so, डायरी आपके पास है आपने तमाम तरह जो क्वेश्चन मेंशन किए हैं इस लेसन में आपने वो करने हैं अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपका जो होमवर्क है जो क्वेश्चंस आपने एज अ होमवर्क करके आने है अपनी नोटबुक पे वो हैं आपके पास टास्क सी के क्वेश्चंस। अब यहां पर आंसर दीज क्वेश्चंस है आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स के ऊपर होमवर्क नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करना है सो लेट्स वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन है हाउ कैन वन सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कैसे नजर आते हैं तो अभी हमने पूरा डिटेल डिस्कशन की इसके बारे में तो पेज वन ओपन करेंगे और पेज नंबर वन पे आप देखेंगे आपके पास जो तो थर्ड पैराग्राफ है उसमें आप देखेंगे दी ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली वेन लाइट फ्राम लुमिनस ऑब्जेक्ट फॉल ऑन दैम एंड ट्रेवल फ्राम देयर टू रीच आर आइज़ तो इस तरीके से आप इसका टास्क सी के क्वेश्चन नंबर वन का आंसर राइट करेंगे अगेन मैं बोल रही हूँ पेज वन फिफ्टी फोर पर आपने थर्ड पैराग्राफ में देखना है थर्ड पैराग्राफ की फिफ्थ लाइन से लेके आपने थर्ड पैराग्राफ के एंड तक रीच आर आइज़ तक आपने यहाँ तक इसको मार्क कर लेना है देन आपने इसको राइट करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर टू इज़ वट आर वट आर ट्रांसपेरेंट ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अब आपने इस स्लाइड पर भी इन सब की डेफिनेशन देखी और साथ में हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की तो इसके आंसर के लिए आप पेज नंबर वन फिफ्टी फाइव पर आएंगे यहाँ पर आपके पास तमाम तरह ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन है अब आप पेज वन फिफ्टी फाइव पर देखें सेकेंड पैराग्राफ ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रो आर मरकार ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है और साथ में जहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा है आपने इसमें से तीन चार एग्जाम्पल्स दे देनी है सेम इसी तरह आपने नीचे ओपैक ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन है और इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर रेड कलर्ड इंक में ये राइट किया हुआ है आपको बहुत क्लियरली ये मिल भी जाएगा सो so, अब यहाँ से आप मार्क करेंगे ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट्स मैं कंप्लीट पढ़ रही हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपने इसको प्रॉपरली मार्क करना है नहीं समझ आती वीडियो को रीप्ले करें लेक्चर को और उसको सुने और उसको मार्क करें उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स आपने तीन चार राइट कर देनी है देन आप नीचे आ जाएंगे लास्ट थर्ड पैराग्राफ में थर्ड पैराग्राफ स्टार्टिंग से मार्क करेंगे ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट टू फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रो देम आर कार्ड एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और इसमें आप एग्जाम्पल्स जहाँ लिखी हुई हैं वहाँ से आप तीन चार एग्जाम्पल्स इसमें राइट कर देंगे तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर टू को करेंगे उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री डू शेडोज हैव अ कलर वाई क्या शेडोज़ का कलर होता है और अगर होता है तो क्यों तो अब यहाँ पर आपका जो भी आंसर है येस और नो है आपने उसको एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए हम पेज 155 पे आएंगे पेज 155 पे आप देखें द एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड द शेडो बिहाइंड द दैक ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड शेडो एंड शेडोज कैन ईजीली बी ऑब्ज़र्व अब यहाँ पर आप ऊपर अगर देखें वेन एन ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट इन पाथ ऑफ अ लाइट फ्राम एनी लाइट सोर्स इट इज ब्लॉग द पासज ऑफ द लाइट द एरिया ऑफ डार्कनेस अब यहाँ पर द एरिया ऑफ डार्कनेस कहा है इट मीन्स दैट इट हैज़ नो कलर तो आप यहाँ पर इस को पहले नो no राइट करेंगे एंड देन आप इस शेडो वाले टॉपिक में सबसे जो पहला पैराग्राफ है उसकी थर्ड लाइन द एरिया ऑफ डार्कनेस यानी बेसिकली आप इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे और आप एक्सप्लेन करेंगे कि शेडोज़ जो हैं वो बेसिकली डार्क इमेज़ होते हैं या डार्क एरियाज होते हैं और ये कलर्ड नहीं होते तो आप इसमें अगर इसकी डेफिनेशन लिखें और साथ में नो no राइट करें तो आपका ये कंप्लीट आंसर बनेगा उसके बाद है पेज क्वेश्चन नंबर फोर देखें व्हाट इज़ वट इन्फॉर्मेशन कैन आर वन गेट अबाउट एन ऑब्जेक्ट वाई लुकिंग एट इट्स शेडो आप जब एक शेडो को देखते हैं तो आप उसे किस किस्म की नॉलेज या इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप पेज नंबर वन फिफ्टी सेवन को ओपन करेंगे तो अब यहाँ पर इस uh, जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो रिए हुए हैं इसमें आप देखें यहाँ पर आपको नीचे इस फर्स्ट पैराग्राफ में डिटेल्स इसकी डिस्कस की गई हैं दैट शेडो इज़ द एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट इट डज नॉट रिवील द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज कलर टेक्सचर एक्सेट्रा इन फैक्ट शेडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कलर एंड इट विल टेल अस अबाउट शेप सो शेडो हमें किस चीज़ के बारे में बताएगा शेप के बारे में तो आप इसमें क्या सिंपल आंसर क्या राइट करेंगे वट इंफॉर्मेशन वन कैन वन गेट अबाउट एन ऑब्जेक्ट बाई लुकिंग एज इट्स शेडो तो आप यहाँ पर क्या राइट करेंगे वी कैन गेट नॉलेज अबाउट इट्स शेप एंड ऑल्सो वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स साइज साइज की इंफॉर्मेशन भी हमें सब यहाँ से मिल जाएगी क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका शेडो भी उतना ही बड़ा बनेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर फाइव विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज़ यूज इन फॉर्मिंग द इमेज इन साइड अ पिन होल कैमरा ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेकिन अब आपको लाइट का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया आज के लेक्चर में इसमें मैंने आपको इसकी लाइट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन तो अब यहाँ पर उसने सिंपल ये पूछा है विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट तो आप सिंपल क्या लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज दैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन हैल्स द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन साइड अ पिनहोल कैमरा तो अब यहाँ पर आप सिंपल ये लाइन राइट कर देंगे क्वेश्चन पोजिशन ऑफ द स्क्रीन ऑफ अ पिनहोल कैमरा नीड टू बी एडजस्टेड पिनहोल कैमरा की जो स्क्रीन है उसको एडजस्ट करने की क्या जरूरत है तो इसके लिए आप पेज वन फिफ्टी नाइन पे मूव करेंगे पेज नंबर वन फिफ्टी नाइन पे आपका टॉपिक है पिनहोल कैमरा उसके लिए आप 159 के राइट right साइड वाली जो डिटेल है उसको देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में आ जाएं सेकंड पैराग्राफ लास्ट से देखना शुरू करें यूजुअली द इनर साइड ऑफ द सिलेंडर अब जो मैं पढ़ रही हूँ इसको मार्क कर लें यूजुअली द इनर साइड ऑफ द सिलेंडर आर पेंटेड ब्लैक इट हैज़ इन इम्प्रूविंग द पिक्चर क्वालिटी बाई अवॉइडिंग अनसेसरी अननेसेसरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द कैमरा सो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से इसकी इनर साइड जो है उसको पेंट करना जरूरी है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन वाई आर द इनर पार्ट्स ऑफ होल कैमरा पेंटेड ब्लैक ओके स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन पढ़ा यूजुअली द इनर साइड ऑफ द सिलेंडर आर पेंटेड ब्लैक इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द पिक्चर क्वालिटी बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनसाइड द कैमरा ये आपके क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर है अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर भी बताती हूँ ये आपके क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर है तो आपने इसको मार्क कर लेना है पेज वन फिफ्टी नाइन पे मार्क कर लिया आपने अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं व्हाई डज द पोजिशन ऑफ स्क्रीन ऑफ अल हॉल कैमरा नीड टू बी एडजस्टेड अब उसकी पोजिशन एडजस्ट क्यों की जाती है अब यहां पर आप देखेंगे पेज नंबर वन फिफ्टी नाइन पे आप देखेंगे अब यहाँ पर आपके पास अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो लिखा हुआ है कि मूव द इनर सिलेंडर विच हैज़ अ ट्रेसिंग पेपर ऑन द साइड फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू ऑप्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द कैंडल ऑन इट तो अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड ऑफ पेज 159 फिफ्टी जहाँ पर 15.9 फिगर भी बना हुआ है इससे ऊपर आप देखेंगे और इसकी जो लास्ट फोर लाइंस हैं उनको आप अंडरलाइन करेंगे मार्क करेंगे फॉर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि स्टार्ट होता है मूव द इनर सिलेंडर विच हैज़ द ट्रेसिंग पेपर इनसाइड इट फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू ऑप्टेन आ शार्प इमेज ऑफ द कैंडल ऑन इट तो अब यहाँ पर समझ आ जाएगी कि हमने पिन होल कैमरा की स्क्रीन को एडजस्ट क्यों करना है क्योंकि हम उसका शार्प इमेज लेना चाहते हैं यानी कि अब यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर एज अ स्क्रीन एक्ट कर रहा है और उसको रोटे उसको आ, एडजस्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इमेज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एट आर द इमेज फॉर्मड इन अ मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन अब आपने ये बताना है कि जो इमेज बनते हैं मिरर में क्या वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनते हैं उसको एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए आप अगर देखें पेज नंबर वन सिक्सटी वन यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन दी गई है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक देखें 161 पे यहाँ पर रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है वी कैन सी थर्ड लाइन से स्टार्ट करें वी कैन सी आर इमेजिज इन द मिरर एंड इमेजेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर बाय द फिनोमिना कार्ड रिफ्लेक्शन और उसके बाद आप नीचे वाली जो तीनों लाइन है वो भी राइट करेंगे दैट रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वैन इट फॉल्स ऑन स्मूथ शाइनिंग सर्फेस सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज एंड इट फॉर्म्स इमेजेस अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन नंबर एट जो है वो उसको इस तरीके से राइट करेंगे आप दोनों पैराग्राफ्स राइट करेंगे आर द इमेजेस फाउंड इन मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमने इसको डिटेल में देख लिया क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्क्राइब एनी एक्टिविटी टू शो दैट रिफ्लेक्शन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज आपने कोई भी एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है बतानी है जो कि ये डिस्क्राइब करे के रिफ्लेक्शन जो है वो चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट को हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर एट में भी ये डिस्कस किया तो इसके लिए आप एक्टिविटी जो है पेज नंबर वन सिक्सटी वन पे एक्टिविटी नंबर नाइन ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इसके लिए आप क्या राइट करेंगे इन अ डार्क रूम आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड अ मिरर इन हिज हैंड डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन द मिरर जैसा कि फिगर में दिखाया गया है और उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको लाइट नजर आ रही है उसके बाद कंप्लीट डिटेल दी गई है पेज वन सिक्सटी टू पे तो आपने बेसिकली इस क्वेश्चन नंबर नाइन के आंसर में क्या लिखना है एक्टिविटी नाइन को आपने डिस्क्राइब कर देना है एंड मेक श्योर आप लोग फिगर दिस और फिगर फिफ्टीन पॉइंट एलेवन और फिफ्टीन पॉइंट ट्वेल्व एनी वन एल्स आप इस तरह से राइट नहीं करेंगे आपने फिगर जो है उसको मैंशन नहीं करना होता आपने जस्ट स्ट्रेट सिंपल आंसर राइट करना होता है तो आप यहाँ पर फिगर मैंशन नहीं करेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन है डज अ मिरर प्रोड्यूस अ फ्लिप इमेज ऑफ़ द ऑब्जेक्ट अब आपने ये बताना है कि मिरर फ्लिप इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है या नहीं करता तो इसके लिए पेज नंबर वन सिक्सटी थ्री पे आ जाएं। वन सिक्सटी थ्री जो है वो आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करता है कि मिरर फ्लिप इमेज प्रोड्यूस करता है या नहीं करता तो वन सिक्सटी थ्री पे आप देखें फर्स्ट पैराग्राफ ऑन द लेफ़्ट साइड आप उस फर्स्ट पैराग्राफ़ की वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन्थ लाइन देखें इट इज़ बिकॉज द मिरर गिव्स अस अ फ्लिप्ड इमेज द लेफ्ट साइड विल अपीयर एज द राइट साइड एंड वाइस वर्सा तो इसमें आप यहाँ से इट इज़ बिकॉज से लेकर आप एम्बुलेंस की एग्जाम्पल तक राइट करेंगे जहाँ पर एम्बुलेंस की एग्जाम्पल दी हुई गई है यानी इट इज़ बिकॉज द मिरर से लेके इस टॉ तो, इस पैराग्राफ के एंड तक आप इसको राइट करेंगे एम्बुलेंस तक ये आपके क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर है तो इस तरीके से आपने ये तमाम तरह जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं टास्क सी के जो जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं आपने इनको पहले मार्क करना है देन इनको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है और उसके बाद आप इसकी लर्निंग करेंगे वन बाय वन सो दिस इज़ बेसिकली एंड ऑफ द लेसन इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन आस्क अस ऑन व्हाट्सएप नंबर फॉर दैट यू हैव टू मैंशन योर नेम ग्रेड सब्जेक्ट लेक्चर नंबर एंड लेसन नंबर एंड यू विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हाफिज़